तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गूगल ट्रांसलेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल ट्रांसलेट को ऑफलाइन कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों आप लोग इसे ऑनलाइन यूज़ करना तो जानते होंगे, लेकिन ऑफलाइन सभी को नहीं पता रहता है। और दोस्तों जिसे पता भी रहता है तो जो डाउनलोड करने का उसमें ऑप्शन रहता है डाउनलोड करने के लिए किसी भी लैंग्वेज को, वो डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक इशू रहता है, एक सेटिंग रहता है जो उसे इनेबल करने के बाद तभी वो डाउनलोड होता है, नहीं तो वो डाउनलोड नहीं होता है। उसमें सेटिंग पहले से ही रहता है लेकिन गलत सेटिंग रहता है, तो वही सेटिंग आज सही करना है। और दोस्तों इस वीडियो में एक और सेटिंग बताऊंगा गूगल ट्रांसलेट के बारे में जो बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग व्हाट्सएप में किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में चैटिंग कर रहा है तो कैसे करें, अगर उसे इनेबल कर लेंगे तो आप उससे इंग्लिश में भी चैटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बगैर ज़्यादा समय गवाए चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से गूगल ट्रांसलेट में चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को आज की सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना गूगल ट्रांसलेट ओपन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऑफलाइन ट्रांसलेशन किया है, और दोस्तों आप लोग भी ऑफलाइन ट्रांसलेशन करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर 3 lines देख रहे होंगे, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऑफलाइन ट्रांसलेशन का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा अभी हिंदी डाउनलोडेड है और हमारा मराठी भी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे लैंग्वेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, आप लोग वहाँ पर डाउनलोड करके चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप में किसी के साथ। तो यहाँ पर आप लोग 3 lines पर क्लिक करेंगे और उसे वहाँ से तो सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन आकर यहाँ से किसी के पर भी क्लिक करेंगे सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आप लोग पहली बार इसे डाउनलोड कर ऐप को डाउनलोड किए होंगे तो ऐसा पेंडिंग बहुत सारे टाइम से, मतलब आप लोग अगर किसी भी लैंग्वेज को डाउनलोड कर रहे होंगे तो बहुत देरी से ऐसा है पेंडिंग आप लोगों को बता रहा होगा, मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा हो। तो क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ से हम बैक आएंगे, यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डाटा यूजेस का आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे है डाटा यूजेस का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड ऑफलाइन ट्रांसलेशन फाइल्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से 3 menus खुल कर आते हैं। यहाँ पर 3 options है, पहला है यूज़ वाईफाई ओनली, यहाँ पर देख सकते हैं पहला यूज़ वाईफाई ओनली, दूसरा है यूज़ वाईफाई और मोबाइल डाटा मोबाइल नेटवर्क, तीसरा है आस्क बिफोर डाउनलोडिंग, तो हमें तीसरे वाले पर सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें तीसरे वाले पर सिलेक्ट करके रखना है। और आप लोग पहली बार अगर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये अगर आप लोगों के मोबाइल में डाटा रहेगा तो ये इस पर अपने आप सेट रहता है, अगर डाटा नहीं रहेगा वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो इस पर सेट रहता है, मतलब उल्टा ही सेट रहता है। डाउनलोड करेंगे इस ऐप को तो ये गलत ही सेट रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन से यूज़ करने के लिए लैंग्वेज डाउनलोड करेंगे तो वो पेंडिंग ही चलता रहेगा, डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग आकर इसे आस्क बिफोर डाउनलोडिंग पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि डाउनलोड करेंगे तो वो पूछेगा कि आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप लोग डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो डाउनलोड होने लगेगा। और जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक लैंग्वेज पर क्लिक करके, यहाँ से ऑफलाइन पर जाएंगे, इस पर चलिए अफ्रीकांस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने का एक ऑप्शन पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। फिलहाल अभी इसे डाउनलोड नहीं करते हैं, आप लोग यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा अगला सेटिंग है आज का, जो बहुत ही यूज़फुल सेटिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में ऐप टू ट्रांसलेट का एक ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भी ये इनेबल है, यहाँ से देख सकते हैं हमारा भी इनेबल है, तो यहाँ से आप लोग इसे इनेबल कर लीजिए, डिसेबल है। अब दोस्तों इसका यूजेस क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आइकन है, अगर किसी भी टेक्स्ट को आप लोग व्हाट्सएप में किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो ये यहाँ पे यहीं पर एक ऐसा जो देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ से आप लोग इसे जैसे इंग्लिश में रहेगा तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाइनीज़ में रहेगा तो वो भी ट्रांसलेट करके हिंदी में सुन सकते हैं। अब कैसे करेंगे चलिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में चल के दिखाता हूँ, अभी हमारा इनेबल है तो वहाँ पर व्हाट्सएप पर चल के दिखाता हूँ कैसे इसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ से व्हाट्सएप में हम लोग आ गए हैं और यहाँ से किसी का भी टेक्स्ट, चलिए यहाँ पे हैं हमारे एक फ्रेंड हैं, चलिए इनका नहीं लेते हैं, किसी का भी ले सकते हैं आप लोग दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसका भी। चलिए यहाँ पे ये वाला देखिए गुड मॉर्निंग है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग ऊपर देख सकते हैं कॉपी करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसे
और यहाँ पे आप देखेंगे आप लोग राइट साइड में ऊपर एक आ गया गूगल ट्रांसलेट का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसे गुड मॉर्निंग है तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में है गुड मॉर्निंग, यानी इसे ये इंग्लिश में यहाँ पे रहता है, हिंदी में मैंने अभी किया था तो यहाँ से नीचे हिंदी में आ जाएगा। यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात होता है, तो यहाँ से आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि कोई और लैंग्वेज चाहते हैं तो यहाँ से किसी भी लैंग्वेज में, अगर ऑनलाइन रहेंगे तो किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसे अरबिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अरबिक में क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है अभी, यहाँ देख सकते हैं कैसा लैंग्वेज है। तो जिस भाषा में आप लोग चाहते हैं उसी भाषा में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। सेटिंग बहुत ही यूज़फुल सेटिंग मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपलोड करना ज़रूरी है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि गूगल ट्रांसलेट को कैसे ऑफलाइन यूज़ करते हैं, और इसका एक स्पेशल फीचर भी आप लोगों ने जाना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।